कहानी की शुरुआत होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम डेविड और पीटर था। इन दोनों भाइयों ने पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी को किडनैप कर लिया था, जिसका नाम ट्रेसी होता है। वो ट्रेसी को उठाकर एक रूम में ले जाते हैं, लेकिन वो कमरे की चाबी को नीचे ही भूल गए थे, इसलिए कमरे की चाबी को लेने डेविड नीचे जाता है। पीटर ट्रेसी का ध्यान रखता है जो कि बेहोश थी। तभी ट्रेसी को होश आ जाता है और वो अपने सर से पीटर के ऊपर हमला करती है। अब इन दोनों की आवाज को सुनकर डेविड ऊपर आ जाता है। वो ट्रेसी को उठाकर दूसरे कमरे में लॉक कर देता है। ट्रेसी ने अपने सर से मार मार कर पीटर की नाक ही तोड़ दी थी, इसलिए डेविड अपने भाई के जख्मों की मरहम पट्टी करने लगता है और उसकी नाक को ठीक करता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेसी का भाई दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू था। वो अपने पिता अर्नी के कहने पर पैसे ले जाकर किडनैपर्स को देने वाला था, लेकिन उसके पिता को उसी पर शक होता है कि एंड्रयू भी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। दरअसल एंड्रयू ट्रेसी का सौतेला भाई था, इसलिए वो एंड्रयू के पीछे अपने दो आदमियों को भेजता है। जब वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर उन दोनों भाइयों के पास आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं अपने कामयाबी पर, इसलिए वो जल्दी से उस बैग को खोलकर देखने लगते हैं और उस बैग में पैसों की जगह टिश्यू पेपर होता है। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे बाहर बैठे अर्नी के आदमियों को पता चल जाता है कि उन लोगों ने बैग को खोलकर देख लिया है। वहीं ट्रेसी अपने मुंह को खोलकर जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेसी की आवाज को सुनकर ये तीनों उसके पास पहुंचते हैं, जहां ट्रेसी उन दोनों के साथ अपने भाई को भी देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसका भाई भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। ये लोग एक बार फिर से ट्रेसी का मुंह बंद कर देते हैं। पीटर के हाथ में मौजूद मोबाइल पानी में गिर जाता है, जो कि डेविड का होता है। अब इन लोगों को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये लोग एक बार फिर से ट्रेसी के पिता से पैसों की डिमांड करने के लिए टाउन के पास ही एक लोकल टेलीफोन के बूथ के पास जाते हैं। जब वो टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ टाउन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, जो डेविड को अजीब सी नजरों से घूर रहे हैं और डेविड से कहते हैं, तुम जिस कॉटेज में रुके हो वो कॉटेज बहुत ही खतरनाक है, रात को अपने सभी दरवाजे बंद कर लेना और गलती से भी अपने कॉटेज से बाहर मत निकलना। डेविड को इन लोगों की बातें समझ में नहीं आती, इसलिए वो वहां से चला जाता है। वो जैसे ही अपने कॉटेज में जाता है, वो देखता है कि एंड्रयू बेहोश पड़ा है। ट्रेसी और उसका भाई पीटर वहां से गायब थे। जब एंड्रयू को होश आता है तो वो बताता है कि ट्रेसी उन दोनों को बेवकूफ बनाकर पीटर को लेकर यहां से भाग गई है। तभी अचानक से दरवाजे पर आवाज आती है, उसके बाद एक आदमी इनके कॉटेज के अंदर आता है जो काफी बुरी तरह से जख्मी है। एंड्रयू इस आदमी को पहचान जाता है और कहता है कि ये मेरा बार्बर है। दरअसल ट्रेसी का भाई बेवकूफ है, उसने इस प्लान के बारे में इस बार्बर को भी सब कुछ बता दिया था, जिसके जरिए ट्रेसी के पिता को पता चल जाता है कि एंड्रयू भी इन्हीं किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने अपने दो आदमियों को इनके साथ भेजा था और उन्हीं दोनों ने इस बार्बर को यहाँ पर लाए थे। यहाँ पर डेविड उस आदमी से उन दोनों लोगों के बारे में पूछता है, पर वो बार्बर इतना जख्मी होता है कि उन्हें कुछ बताने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही उसकी आंतें बाहर आ जाती है। अब ये दोनों भी ट्रेसी और पीटर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि ट्रेसी के पिता ने जिन दो आदमियों को भेजा होता है उनमें से एक को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। दूसरी तरफ हमें ट्रेसी को दिखाया जाता है जिसने पीटर को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। अब ट्रेसी ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां से फोन करके वो अपने पिता को बुला सके। ट्रेसी को फोन बूथ तो नहीं मिलता, लेकिन उसे एक कॉटेज दिखाई देता है जिसके बाहरी बोर्ड पर लिखा हुआ था कि इस जगह से दूर रहो। ट्रेसी उस बोर्ड पर ध्यान नहीं देती और कूदकर अंदर चली जाती है, जहां उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जिसकी लाइटें अभी भी जल रही थी। इसी के साथ दरवाजा भी खुला हुआ था। अब ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां कोई भी नहीं होता। ट्रेसी ऊपर फोन देखने के लिए जाती है, पीटर नीचे ही रहता है। वो फ्रिज को खुला हुआ देखता है जिसमें वो मटर के पैकेट को निकाल कर अपनी चोट पर सेकने लगता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिले। तभी वो देखता है कि वहाँ बेसमेंट है और उस बेसमेंट से आवाजें आ रही है। ये आवाज को सुनकर वो डर जाता है और ट्रेसी को नीचे बुलाता है। ट्रेसी जब नीचे आकर ढक्कन को खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन जब वो पीटर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके ठीक पीछे फ्रीजर में बहुत सारे कटे हुए हाथ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई ट्रेसी पर हमला करता है जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है।
दरअसल ये चाकू उसे कैनिबल ने मारा होता है जिसका नाम फार्मर होता है। वो ट्रेसी के पेट से चाकू को निकालकर पीटर के पीछे पीछे भागने लगता है। ये देखकर पीटर भी भागते हुए ऊपर के रूम में पहुंच जाता है। फार्मर उसी की तरफ बढ़ता है। पीटर वहां की खिड़की से कूद जाता है जिसकी वजह से उसकी टांग में चोट आ जाती है। फिर भी वो अपने आप को संभालता है और लंगड़ाते हुए भागने लगता है। तभी ट्रेसी उसे पीछे से आवाज देती है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे बचा लो, मैं अपने पिता से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनकर पीटर ट्रेसी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फार्मर आ जाता है, इसलिए पीटर ट्रेसी को छोड़कर भागने लगता है। अब फार्मर ट्रेसी के पेट पर लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो फार्मर ट्रेसी को मारने वाला होता है, पीछे से पीटर आकर उस पर हमला करता है, जिस वजह से फार्मर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद ट्रेसी उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन पीटर उसे मारने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। यहाँ तक कि किडनैपिंग भी उसने पहली बार की थी। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उस फार्मर को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो पीटर को बहुत बुरी तरह से जख्मी करता है और फिर ट्रेसी को मार देता है। उसके बाद ये दोनों को भी अपने साथ कॉटेज के अंदर ले जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें डेविड और एंड्रयू दिखाई देते हैं जो पीटर और ट्रेसी को ढूंढ रहे होते हैं। ये लोग अब उस कॉटेज के पास पहुंच जाते हैं जहां ट्रेसी के भाई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल ये ट्रैप भी इसी कैनिबल फार्मर ने लोगों को पकड़ने के लिए लगाया होता है और डेविड उसके पैर को छुड़ाकर आगे बढ़ता है। अब ये दोनों भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैनिबल फार्मर ने ट्रेसी को मारा था और पीटर को जख्मी किया था। और यहां पर डेविड को अपने भाई के पैर का एक हिस्सा मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसका भाई खतरे में है। ये दोनों के दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग उस रूम की लाइट को ऑन करते हैं, वहां लोगों के कटे हुए सर रखे होते हैं और अब अचानक से एक सर वहां पर से हिलने लगता है जो किसी और का नहीं बल्कि उसी कैनिबल फार्मर का था। फार्मर अचानक से डेविड पर हमला करता है और उसे रूम से बाहर फेंक देता है, जहां वो उसकी एक टांग पर हमला करके उसे भी जख्मी कर देता है। इसके बाद फार्मर एंड्रयू के पास चला जाता है। एंड्रयू यहां पर घोड़ों के अस्तबल में घुस गया था। वो फार्मर उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी वो फार्मर वहां से जाने लगता है और एंड्रयू का फोन बजने लगता है और ये कॉल थी उसके पिता की। एंड्रयू अपने पिता से कहता है कि यहां एक साइको किलर घूम रहा है जिसने ट्रेसी को मार दिया है और अब उसे भी मारने वाला है। तभी वो फार्मर वहां आ जाता है और उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ पीटर को होश आता है जिसे कैनिबल ने रॉड पर लटका दिया था। वो जैसे तैसे करके खुद को उस रॉड से छुड़ाता है। उसके बाद वो अपने भाई डेविड के पास जाता है और उसकी टांग से हथियार निकालने में मदद करता है। अब ये दोनों वहीं पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करते हैं। तभी डेविड उठकर बैठ जाता है और कहता है कि हम दोनों यहां से जरूर जिंदा बचकर निकल जाएंगे। ये दोनों के दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वो कैनिबल एक बार फिर से खिड़की से अंदर आ रहा है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और यहां जो बेसमेंट होता है उन्हें उसमें से फिर से किसी की आवाज आती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, यहां वो फार्मर आ जाता है। वो पीटर को पकड़ लेता है और वहीं डेविड फार्मर को पकड़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसके हाथ में एक एल्बम लगता है। वो फार्मर उस एल्बम को डेविड के हाथ में देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है और वो पीटर को छोड़ देता है। वो उसे इशारों में समझाता है कि इसे कुछ मत करना। यहाँ डेविड समझ जाता है कि इस एल्बम में जरूर उसका कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो उसका एक फोटो निकालता है और कहता है कि अगर तुम बेसमेंट के अंदर नहीं गए तो मैं इस फोटो को फाड़ दूंगा। वो अपने भाई पीटर से कहता है कि जब ये बेसमेंट में जाए तो तुम इसके ढक्कन पर कैबिनेट फेंक देना ताकि ये हमेशा के लिए नीचे बंद हो जाए। डेविड लगातार उसे नीचे जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन फार्मर नीचे नहीं जा रहा था, इसलिए डेविड अब उस फोटो को फाड़ने लगता है। दरअसल ये फोटो उस कैनिबल फार्मर और उसकी वाइफ की होती है। ये देखकर कैनिबल को गुस्सा आता है। वो डेविड की तरफ बढ़ता है और उसे मार देता है। अपने भाई की मौत को देखकर पीटर को बहुत दुख होता है। वो देखता है कि वहां पर एक रस्सी है। वो उस रस्सी को उसके गले में लपेटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैनिबल उसे धक्का दे देता है जिससे पीटर बेसमेंट में गिर जाता है। अब पीटर लगातार वो रस्सी खींचता रहता है जिससे फार्मर भी दरवाजे के ऊपर आ जाता है और वो कबाट जिसे दरवाजे के ऊपर रखना था वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। पीटर लगातार रस्सी को खींचता ही रहता है जब तक कि वो कैनिबल फार्मर मर नहीं जाता। पीटर अब बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता
क्योंकि उसके ऊपर कैनिबल होता है और कैनिबल के ऊपर कबर्ड, इसलिए वो दरवाजा अब कभी नहीं खुल सकता। इसलिए पीटर अब बेसमेंट के अंदर ही बढ़ना शुरू कर देता है और जब वो अपना लाइटर जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बेसमेंट के अंदर कैनिबल के बच्चे और उसकी वाइफ होती है और वो लोग भी कैनिबल हैं, जिसके बाद ये सभी लोग पीटर को मार देते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ ट्रेसी के पिता अर्नी अपने आदमियों के साथ आते हैं। वो कॉटेज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी कैनिबल फार्मर एक कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। दरअसल ये कैनिबल मरा नहीं था, जिंदा था, उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।